छह लाख से अधिक किसानों का भरोसा, सोनालिका ट्रैक्टर। सोनालिका ट्रैक्टर खरीदने के लिए संपर्क करें साक्षी ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स कृषि उपज मंडी के आगे तुरई रोड सागर, प्रोप्राइटर वीरेंद्र पूनम पटेल सागर। शिवपुरी जिले के पिछोर थाना इलाके से 14 साल की नाबालिग स्कूली छात्रा के अपहरण और बलात्कार का मामला सामने आया है। इसमें चौंकाने वाली बात यह है कि दुष्कर्म का आरोप मौजूदा बैराड़ थाना प्रभारी शिवनाथ सिकरबार पर भी लगाया गया है। दूसरी तरफ स्थानीय पिछोर थाना पुलिस पर ऐसा आरोप है कि मामले में ढील बरती गई और पीड़ित के परिजनों की ना तो रिपोर्ट लिखी और न ही बालिका को ढूंढने में मदद की गई। दरअसल 4 महीने पहले नाबालिग छात्रा अचानक गायब हो गई थी, उसका कुछ पता नहीं चला। इसके बाद अचानक पीड़ित छात्रा के पिता को फोन पर सूचना मिली कि उसे टीकमगढ़ में चेतराम नाम की युवक ने जबरदस्ती रखा हुआ है। तब उसका पिता फौरन कुछ लोगों के साथ टीकमगढ़ पहुंचा और वहां से पीड़िता के साथ साथ चेतराम को भी पकड़कर पिछोर थाने लेकर आए, जहां उसे पुलिस के सुपुर्द कर दिया। मेरी बच्ची का अपहरण कर ले गया था चेतराम छोटू। फिर इसके बाद मैंने रिपोर्ट की पिछोर थाने पे। पिछोर थाने पे रिपोर्ट की तो फिर 2-4 दिन बाद कोई नहीं, फिर मैंने 181 लगाई, उस पर भी कोई निराकरण नहीं हुआ। फिर एक दो बार मैं और गया थाने, कुछ नहीं हुआ। एक बार गया तो एक बार मेरा मां मसक दिया, हलकार के भगा दिया। तो फिर मैं घर बैठ गया, फिर कुछ नहीं किया। अचानक मेरा कल फोन आया मेरे पास, बच्ची ने कहा कि पापा मैं बहुत कष्ट में हूँ, मुझे लेवा ले जाओ, मैं जल्दी से जल्दी आओ, मैं बचने वाली नहीं है, बहुत बुरी हालत में हूँ, बीमार हो गई। तो मैं फिर कल गया तो टीकमगढ़ पहुंचा, जैसा उधर देखा सब इधर उधर बस स्टैंड पे ही देखा, बड़ी मुश्किल से उसके कमरे पे पहुंच गया मैं। तो वहाँ बड़ी हालत में थी, बहुत गंभीर हालत में थी। उसको फिर मैं घर गाड़ी बैठा के लाया, फिर रात में पिछोर आके पेश की मैंने। फिर लड़की ने बताया कि मुझे शिवनाथ सिंह सिकरबार भी इसका रिश्तेदार था, इसने ही बलात्कार किया है, दोनों को दंड मिलना चाहिए। इनका मेडिकल करवाया तो इनसे बच्ची का कुछ 1 महीने का वो है प्रेग्नेंट है तो इसका निराकरण होना चाहिए। तो आप क्या चाहते हो साहब? इसका ये है कि इनको दंड मिलना चाहिए, सजा होनी चाहिए इनको, तो बलात्कारियों को सजा होनी चाहिए, तभी आपको इंसाफ मिलेगा, जब इंसाफ मिलेगा साहब। बलात्कार की शिकार पीड़ित नाबालिग का कहना है कि आरोपी चेतराम पहले उसे अपहरण कर दिल्ली ले गया, वहां उसके साथ दुष्कर्म किया, साथ ही उसके पिता को जान से मार देने की धमकी भी दी। पीड़िता ने बताया कि इसके बाद उसे शिवपुरी लेकर आए, जहां बैराड़ थाना प्रभारी शिवनाथ सिंह सिकरवार के घर पर रखा, जो चेतराम का सगा संबंधी है। यहां दोनों ने उसके साथ दुष्कर्म किया। अब मेडिकल जाँच में पता चला है कि 1 माह का गर्भ भी है। मुझे चेतराम ले गया था दिल्ली में, फिर दिल्ली में मेरे साथ बलात्कार किया और मुझे धमकी भी देता था मारने की। अगर बोलता था कि अगर मुझे तुम जेल करवाएगी तो तेरे मम्मी पापा को मार डालूँगा, जब जेल जाऊँगा जब तेरे बाप को मार जाऊँगा। फिर उधर से भाग कर आया तो आया शिवपुरी। शिवपुरी में उसका जीजाजी दरोगा रहते हैं शिवनाथ सिकरबार, तो उसके साथ मुझे छोड़ गया। तो उसकी छोटी बहन मुझे दरोगा के पास लेके आया दिनारा। फिर दिनारा में दरोगा ने मेरे साथ बलात्कार किया। दिनारा में मैं 6-7 दिन रही तो उसने मेरे साथ बलात्कार किया। रोज करता था? हाँ रोज करता था। और मैं कहती थी कि मैं कह दूंगी, तो बोलता था तू कह देगी तो हम मैं अभी बता दूंगा सबको कि तुम मेरे पास है। सो मैंने बोला बता देना। फिर मैंने इसकी छोटी बहन से कहा तो इसकी छोटी बहन बोली कोई बात नहीं, वो तो तुम्हारा नंदी हुआ, ऐसी तो बातें होती रहती हैं। फिर मुझे वो उधर छोड़, वो कौन सा गांव कहते हैं, टीकमगढ़ में मुझे रूम में बंद करके रखता था चेतराम। फिर मैंने अपने माता पिता को फोन लगा दिया था, तो फिर मेरे माता पिताजी मुझे लिवा के आए। फिर मैंने मेडिकल टेस्ट करवाया तो मैं प्रेग्नेंट निकली। तो अब क्या चाहती हूँ आप? मैं चाहती हूँ कि उन दोषियों को सजा मिलनी चाहिए जिसने आपके साथ बलात्कार किया। हाँ, जिन लोगों ने मेरे साथ बलात्कार किया उन लोगों को सजा मिलनी चाहिए।
मामला पुलिस अधीक्षक के संज्ञान में आने के बाद उन्होंने जांच टीम गठित की है और जांच के बाद उन्होंने कार्रवाई की बात भी कही है। इसमें एक लड़की एक अगस्त की है, नाबालिग लड़की है और इसकी गुमशुदगी और इसके 363 का केस रजिस्टर्ड हुआ था। जो व्यक्ति का नाम आया था उसको लड़की और उसके बयान हुए हैं, पुलिस में बयान हुए, फिर कोर्ट में भी उसके 364 के बयान हुए हैं और उसमें ये आरोपी जो साथ में ले गया था उसको भी पकड़ा गया, गिरफ्तार किया गया, DNA वगैरह भी कार्रवाई की गई। इसके अलावा अभी कल जो है इसके बाद कुछ लोगों के द्वारा ये बताया गया जो हमारी जानकारी में आया है, तो इसमें एक नई टीम गठित कर रहे हैं इसकी विवेचना के लिए। तो SDOP कोलारस के नेतृत्व में शिखा तिवारी मुख्य विवेचक रहेंगी और एक बार फिर पुनः इसके प्रार्थी आके और परिवारजनों के बयान लिए जाएंगे, जिसमें जो भी तथ्य आएंगे साक्ष्य आएगा उस पर कार्रवाई करेंगे। सर, बैराड़ थाना प्रभारी जी पर भी अभी हाल में आरोप लगे हैं, क्या उसकी भी जाँच की जाएगी? बिल्कुल जाँच की जाएगी, सारे तथ्यों की जाँच की जाएगी। सागर टीवी न्यूज के लिए शिवपुरी से प्रांजल भार्गव की रिपोर्ट। जब बात हो हैवी ड्यूटी की तो एक नाम याद आता है, विश्व का सर्वाधिक बिकने वाला ट्रैक्टर सोनालिका ट्रैक्टर। भारत की धाक 100 से अधिक देशों में जमा रहा है, 6 लाख से अधिक किसानों के खुशहाली का साथी। पिछले 20 सालों से 20 से 110 HP तक के हैवी ड्यूटी के ट्रैक्टर बना रहा है सोनालिका। आपकी खास जरूरत के लिए 20 से अधिक मॉडल के ट्रैक्टर बना रहा है। लोड कैसा भी हो खींचे सोनालिका ट्रैक्टर। अधिकृत विक्रेता साक्षी ट्रैक्टर एंड मोटर्स, कृषि उपज मंडी के आगे, पुराई रोड, सागर। प्रोप्राइटर वीरेंद्र पूनम पटेल, सागर।